हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस। देखते हैं मंडे को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले ये देखो फ्राइडे को कहाँ पर ट्रेड लेना था, वो मैं समझाता हूँ डिटेल में आपको किस तरीके से प्राइस एक्शन को देखना था। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कहाँ पर थी एंट्री। एंट्री थी भाई पहली कैंडल के ऊपर ही, जो फ्राइडे को पहली कैंडल बनी है ना ये वाली, यहीं पर एंट्री थी ट्रेड के लिए। और स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रख सकते थे और काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला। इसके पीछे का रीज़न आपको मैं समझाता हूँ क्यों पहली कैंडल के ऊपर। ये वाला लेवल मैंने आपको मार्क कराया था, इसके पीछे का साइकोलॉजी अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे, उससे हमें समझ आएगा कि ये है क्या भाई, क्यों इस लेवल पे ट्रेड लेना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा पीछे आओ, यहाँ पर इस लेवल को देखो, यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई थी भाई, सेम फिर कंसोलिडेशन देन फिर अगेन यहाँ पर से मार्केट ने जो ट्रेजेक्ट्री अपसाइड में पकड़ी थी, इस गैप अप ओपनिंग ने हमें ये बता दिया था कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन बता रहा था कि बायर्स इतने एक्टिव हैं कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देना चाह रहे हैं। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ कंसोलिडेशन, देखो इसलिए मैंने आपको ये मार्क कराया था, ठीक है। और वहीं से मार्केट ने कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया। तो आई होप आपको समझ आएगा क्यों ट्रेड लेना था पहले कैंडल के ऊपर। ऊपर से सेकेंड एंट्री बनती थी पहले कैंडल के लो के नीचे, लेकिन अगर आप पहले कैंडल पे लेते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल रहा आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। और निफ्टी का मैंने सेम तरीके से एनालिसिस किया जैसे अभी इसका किया है, कहाँ ट्रेड लेना था वो ऑलरेडी मैं शॉर्ट वीडियो में डाल चुका हूँ, तो इस वीडियो के बाद देख लेना कि मैं क्या प्लान हो सकता है। आप इस लेवल को ध्यान से देखो, यहाँ पर मार्केट ने मान लो पहली कैंडल का लो जो होता है ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ब्रेकआउट आया यहाँ से, फिर काफ़ी बार मार्केट ने यहीं पर कहीं यहीं पर जा करके कंसोलिडेशन किया पूरा का पूरा। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटा सा हमने ये रेंज मार्क कर लिया है, इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव है जैसा कि क्लोजिंग हुआ है वो इसके ऊपर, तो मार्केट हमें पॉजिटिव के लिए देखना है, बाइंग के लिए देखना है। और इसके नीचे इस ब्रेकआउट लाइन के नीचे सेलिंग के मौके देखने हैं, लेकिन सबसे अच्छी सेलिंग आपको मिल सकती है मंडे के दिन 34900 के ऊपर, ठीक है। 34900 का लेवल एक राउंड लेवल है। और एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये गैप बॉर्डर, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई यहाँ तक फिलिंग हो चुकी है, इतना गैप अभी भी रह रहा है, तो यार इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये लेवल आपको दिख सकता है, ठीक है। तो आप ये प्राइस एक्शन को पूरा ध्यान रखना तभी ट्रेड करना, ये ऊपर के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। एक लेवल ये वाला देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट भाई इसको कहीं बीच में यहाँ कहीं अप्रोच करता है ना 12 बजे तक में, तो यहाँ से हम लोग एक सेल ऑफ का प्लान कर सकते हैं। क्यों, ये लेवल देखो, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ सपोर्ट लिया 2-3 कैंडल ने, ऊपर गया, जब गिरते वक्त फिर से सपोर्ट लिया यहाँ पर, और ये फाइनली यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री पकड़ ली। देख पा रहे हो इस चीज़ को, ये चीज़ दिख रही है आपको, पूरा नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री हो गया पॉजिटिव से। तो अगर भाई मार्केट यहाँ पर फिर अप्रोच करता है तो वो नेगेटिव बंदे यानी कि सेलर्स यहाँ पर होंगे ना, तो वो सेलिंग के लिए फिर से एक्टिव हो सकते हैं। तो 12 बजे तक में अगर यहाँ पर कहीं प्राइस एक्शन बनता है बीच में कहीं, तो स्टॉप लॉस आप यहाँ रख करके चल सकते हो, ठीक है, ऊपर इसके, और काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है नीचे की ओर, एज अ ऑप्शन बायर भी पुट के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। और नीचे के लेवल सबसे अच्छी सेलिंग आपको कहाँ पर मिलेगी, इस लेवल के नीचे, ठीक है। अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो इस लेवल के पीछे भी प्राइस एक्शन रीज़न है, ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लो, इसके नीचे काफ़ी अच्छी सेलिंग मिल सकती है। और भाई दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है, अगला सपोर्ट फिर यहाँ पर है, लेकिन मैं आपको कहूँगा टारगेट थोड़ा बीच में ज़रूर बुक कर लेना, जैसे कि 34000 हो गया, ठीक है, थोड़ा यहाँ बुक करना, फिर इसके थोड़े नीचे करना, जैसे ही मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करता है। तो आई होप आपको सारे लेवल पता लग गए, एक बार ये सारे लेवल आप मार्क कर लो, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, ठीक है, ये सारे मार्क कर लो आप, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं निफ्टी के अंदर, जो है ना यहाँ पर ट्रेड बनता था इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, और फाइनली यहाँ पर टारगेट बुक करना पड़ा जा करके, काफ़ी पेशेंस दिखाना पड़ा था, इसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है उस शॉर्ट वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ देख लेना यार, प्राइस एक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि मंडे के लिए, पल ध्यान से देखो, यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट की आपको समझ आ जाएगा, मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन ही कंसोलिडेशन हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ कंसोलिडेशन हुआ है इस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर बायर सेलर काफ़ी तरीके से टसल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब तक मार्केट इसके ऊपर है बायर्स काफ़ी पॉजिटिव वे में मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनता है इस लेवल के ऊपर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे तो हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं, पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है, और अगर ऊपर निकलता है तो फिर ये भी मिल सकता है हमें, और ये गैप फिल हो सकता है। थोड़ा सा पीछे आओ, ये गैप दिख
रहा है आपको ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में एक टर्म होती है कि गैप को इवेंचुअली फिल होना होता है, चाहे एक दिन में हो, दो दिन में हो या 50 महीने में फिल हो, लेकिन फिल जरूर होता है। ठीक है, तो देखते हैं कल के दिन ये गैप फिल होता है कि नहीं। मैं तो थोड़ा सा बुलिश हूँ मार्केट को लेकर के, लेकिन देखो न्यूज़ पे डिपेंड करता है संडे को क्या न्यूज़ आ जाए, इसलिए हमें बोथ साइड रेडी रहना चाहिए। ठीक है, और नीचे के लेवल आपको ये सारे दिख सकते हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये सारे आप मार्क कर लो, अच्छे रहेंगे आपके ट्रेडिंग के लिए। यहाँ से आप रिवर्सल का प्लान कर सकते हो, टारगेट बुक कर सकते हो, और एक ये वाला लेवल देखो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हो ना, अगर आपको मार्केट बीच में कहीं मिलता है 12 बजे तक में, तो एक रिवर्सल का प्लान कर सकते हो। ठीक है, और नीचे की ओर टारगेट अपना बुक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको समझाया था, और इस लेवल के बारे में लास्ट वीडियो में भी समझाया हुआ है मैंने, तो वो वाला वीडियो देख लेना। ऊपर के टारगेट आपको ये दिख सकते हैं, ये दिख सकते हैं, ठीक है, और ये दिख सकते हैं। तो ये सारे टारगेट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको मार्क कर लो। ठीक है, अब हम देखते हैं बेस्ट स्टॉक कौन से हो सकते हैं भाई मंडे के लिए इंट्राडे में। हम लोग मंडे को ट्रेड कर सकते हैं, वो है JSW स्टील। इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, ये वाला लेवल ध्यान रखना है जो कि 690.85 का। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर रहता है ना, हम लोगों को बुलिश रहना है। क्यों बुलिश रहना है, मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल दिखाया, रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, देन ये फाइनली ऊपर की ओर क्लोज हुआ है जा करके। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर इसके ऊपर रहता है तो पॉजिटिव है, इसके नीचे ही सेलिंग के प्लान करेंगे, प्राइज एक्शन देखेंगे। इसके ऊपर आप लोग प्राइज एक्शन देखना बाइंग के, और टारगेट पहला ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला स्टॉक, टर्न एंड टर्बो। हर बार मैं आपको क्या देता था, फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे ट्रेड देता था, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदली है, आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ। इस लेवल को फिर से देखो, मार्केट फॉल, रेजिस्टेंस, 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 देन फाइनली अप क्लोज हुआ है, तो अभी पॉजिटिव है जब तक वो इस लाइन के ऊपर है। यानी कि हम लोगों को बाइंग के मौके देखने, पहला टारगेट ये हाई हो सकता है, लेकिन प्राइज एक्शन देखना पड़ेगा हमें इसके ऊपर। ठीक, स्टॉक देखो वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस लेवल से देखो काफ़ी अच्छी बाइंग जा रही थी, रेजिस्टेंस फेस किया, गिरा, एक बार यहाँ फेस किया, एक बार यहाँ फेस किया, देन फाइनली ऊपर की ओर इसी लेवल पे सपोर्ट ही सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी बाइंग मिल सकती है हमें, और इसके नीचे टूटता है तो आपको पता है इतने सपोर्ट लेने के बाद क्या होता है, लोगों के स्टॉप लॉस होंगे यहाँ कहीं, वो ट्रिगर होगा, तो नीचे की ओर अच्छा सेल ऑफ मिल सकता है। तो देखते हैं कैसे ट्रेड मिलता है मंडे के लिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।